जिस समय हमने जीएसटी लाने का संकल्प किया तब लोगों को लगता था आएगा कि नहीं आएगा, 1 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, हुआ। फिर होने के बाद लगा कि हम मर गए, ये मोदी है कुछ सुधार नहीं करेगा। और हमने तब कहा था कि हमें 3 महीना इसको बारीकी से देखने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और दिल्ली में ही बुद्धि भरी हुई है ऐसा नहीं है जी, देश के सामान्य मानवी के पास भी समझ है, हम उसे समझेंगे, सीखेंगे, कठिनाइयों का अंदाज करेंगे, रास्ते खोजेंगे। और 3 महीने के बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जितनी चीजें सामने आई उसका समाधान किया। कुछ चीजों के लिए काउंसिल में कुछ राज्य सहमत नहीं थे तो हमने राज्यों के मंत्रियों की और अधिकारियों की कमेटियां बनाई। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है, करीब करीब सारे विषयों को पॉजिटिवली स्वीकार किया जा रहा है। और 9 और 10 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अगर कोई राज्य कठिनाई पैदा नहीं करेगा तो मुझे विश्वास है कि भारत के व्यापार जगत को और भारत की आर्थिक व्यवस्था को नई ताकत देने में जो भी आवश्यक सुधार होंगे वो किए जाएंगे। उसके बावजूद भी आगे भी ऐसी कोई बातें आएगी, क्योंकि आखिरकार एक नई व्यवस्था को स्वीकार करना होता है, सालों की पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलना होता है, तो सरकार का ही दिमाग काम करे जरूरी नहीं है, सभी स्टेक होल्डर का दिमाग काम में आता है तब उत्तम से उत्तम परिणाम आता है। और जीएसटी देश के लिए उसका भी एक उत्तम उदाहरण बनने वाला है कि सबकी भावनाओं का आदर करते हुए व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, ये जीएसटी की प्रोसेस से नजर आता है।